अंग्रेजों की गुलामी के समय मुसलमानों में शिक्षा की अलख जगाने की मुहिम चलाने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मदरसा की नींव रखी थी, जो 1920 में विश्वविद्यालय के रूप में एक बटवृक्ष बन गया है। इस विश्वविद्यालय से निकले छात्र दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। एएमयू आज मुस्लिम शिक्षा का बड़ा केंद्र बन गया है। एएमयू के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी राहत अबरार ने बताया कि आज सर सैयद अहमद खान की 125वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनको याद किया गया। उनके मानने वाले लोग आज भी एएमयू जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद सर सैयद अहमद खान की कब्र पर फतिहा पढ़ने जाते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की 125वीं पुण्यतिथि है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर सैयद को लोगों ने कैद कर दिया सिर्फ इस संस्था तक। मेरा मानना यह है कि सर सैयद ने जो बड़ा काम किया वो था उनका आधुनिक विचार, आधुनिक चिंतन, देश में किस तरीके से मिश्रित संस्कृति को प्रमोट करना। हमने उन चीज़ों को या पॉलिटिकल सर सैयद का जो चीज़ें थी उसको तो हमने छोड़ दिया और हम सिर्फ यही समझने लगे कि सर सैयद का बड़ा कारनामा जो है इस शिक्षा संस्था की स्थापना है। नो डाउट कि ये बड़ा कारनामा है, लेकिन सबसे बड़े कारनामा मेरी नज़र में यह है कि सर सैयद ने 1857 की जन क्रांति के बाद भारत में तीन उस वक्त कम्युनिटी थी, एक मुसलमान जिनसे सत्ता छीनी गई थी, दूसरे अंग्रेज जो काबिज हुए थे और तीसरा हिंदू। तो उस वक्त सर सैयद ने इन तीनों के बीच में एक तालमेल पैदा किया और कहा कि देश की आज़ादी के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए 1857 के लिए ज़रूरी है कि हम जो इश्यूज हैं अपने उसको बजाय कन्फर्म करने के हम आपस में विचार विमर्श करें, एकता का वो दें और जो इश्यूज हैं उनको हल करें। और वो सर सैयद शिक्षा को जो है उस वक्त राजनीतिक सशक्तिकरण का माध्यम मानते थे। सर शिक्षा जो है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा मीन्स थी और यही सर सैयद का मकसद था कि हम शिक्षा में अगर आगे बढ़ गए तो हम हर चीज़ में आगे बढ़ेंगे। आज बदकिस्मती है कि जो सर सैयद के मूल मंत्र था उसको ख़ासतौर से मुसलमानों ने भुला दिया। सर सैयद ने कहा, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, मालदार नहीं थे, ज़मींदार नहीं थे, दौलतमंद नहीं थे, राजा नहीं थे, उन्होंने कहा कि जो आदमी 25 रुपये देगा उसका नाम बाउंड्री वॉल पर लिखा जाएगा, जो आदमी 250 रुपये देगा उसका नाम हॉस्टल में और क्लासरूम पर लिखा जाएगा, जो आदमी 500 रुपये देगा उसका सेंट्रल हॉल जो है, जो हमारा स्टेचू हॉल है उस पर लिखा जाएगा। तो सर सैयद ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मदद आपका एक कंसेप्ट दिया, तसव्वुर दिया। और अब जबकि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है 1857 और उसके बाद से, तो क्यों नहीं हम अपनी शिक्षा संस्थाएं खुद स्थापित करते, क्यों नहीं हम अपने ज़राए इस्तेमाल करते। हम कब तक हुकूमत की नज़रों के सामने भीख मांगते रहेंगे? जो कौमें भीख मांगती हैं, भीख का प्याले लेके चलती हैं, वो कभी तरक्की नहीं करती। तो हमें एक तरफ तो ये है कि अपनी शिक्षा के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, सोच पर तब्दीली लानी पड़ेगी। उन्होंने अपने कॉलेज के लिए दरवाजे हिंदुओं के लिए भी खुले रखे और सबके लिए उनका एक था कि शिक्षा को विभाजित नहीं किया जा सकता। उसका नतीजा वो ये निकला कि पहला ग्रेजुएट एक हिंदू हुआ। आप हमारे छात्रावास देखिए, वहाँ बड़ी तादाद जो है हिंदू लोगों की है। बनारस नरेश सर सैयद के व्यक्तिगत ताल्लुकात थे। जब 1877 में कॉलेज की आधारशिला रखी गई, उस वक्त भी राजा शंभु नारायण ने सारी चीज़ें दी और टेंट और शामियाने और क्रॉकरी जो है वहीं से आई थी। तो एक तरफ उनके साथ राजा शंभु नारायण और राजा जयकिशन दास खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ वायसराय जो है वो मौजूद है, तीसरी तरफ मुसलमानों का एक तबका मौजूद है। सर सैयद का जब इंतकाल हुआ उस वक्त, क्योंकि आज हम सर सैयद की पुण्यतिथि की बात कर रहे हैं, थ्योडर बैक उस वक्त प्रिंसिपल थी, वो चाहते थे कि एक बहुत बड़ा मकबरा विक्टोरिया गेट जो है उसके सामने बनाया जाए। लेकिन सर सैयद के बेटे ने कहा कि उनको जो है जामा मस्जिद के अंदर दफन किया जाएगा। और वो उनका फैसला सही था, जो भी मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ता है, उसके बाद उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ता है। तो हम सर सैयद के
अब हमें ज़रूरत यह है कि हम सर सैद के विचारों को नई ऊर्जा दें और एक नए इंटरप्रिटेशन के साथ उसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, 21वीं सदी की ज़रूरतों को हम किस तरीके से पूरे कर सकते हैं। सर सैद के पॉलिटिकल थॉट पर बहुत कम लिखा गया है, तो मेरी ये कोशिश थी कि सर सैद की जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर असबाब बगावत हिंद, उन्होंने सर सैद पहले व्यक्ति हैं मैं ये मानता हूँ भारतीय जिनकी किताब को ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट होती है, और कहा जाता है कि साहब ये किताब जो भी लिखी गई है 1859 में किताब उर्दू में लिखी गई थी, 1860 में इसका ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में हो गया था और ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में पेश हुई और अंग्रेज़ों ने भी उसके बहुत से रिजल्ट्स निकाले कि हमारी क्या क्या कमजोरियाँ हैं जिसकी वजह से ये 1857 का गदर हुआ है और हमें उन कमजोरियों को दूर करना चाहिए। उन्हीं की वजह से वो ईस्ट इंडिया कंपनी से देश जो है वो मलका विक्टोरिया के उसमें आया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको गौर करना चाहिए। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।